मेरा नाम मोहम्मद खान शहबाज है और पेशे के लिहाज से मैं इंजीनियर हूँ। आज का मेरा सबक है जुमला की इस्मिया में इसमें मार्फा की इंसान जुमला इस्मिया पिछले वीक हमने पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। जुमला इस्मिया ऐसे है जुमला तो उसमें शामिल ही है, बेसिकली इसको मुरकब ताम भी हम कहते हैं। उससे पहले हमने मुरकब नाकिस पढ़ा था। तो जुमला इस्मिया या मुरकब ताम ऐसे मुरकब को कहते हैं जिसमें बात पूरी हमें पता चल जाए, बात अधूरी ना हो। जिस तरह मिसाल पे हमने देखा था लड़का नेक है, तो अगर सिर्फ ये कह दिया जाए लड़का नेक लड़का नेक लड़का नेक तो बात पूरी नहीं होती। अगर हम ये कहते हैं लड़का नेक है तो बात पूरी हो जाती है। तो यही बुनियादी फर्क है मुरकब नाकिस और मुरकब ताम। इसको हम बोर्ड में अब देखते हैं। अल वलदु सालिहुन, तो ये एक जुमला इस्मिया की मिसाल है। इसमें हमने देखा था कि जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं, एक को हम मुब्तदा कहते हैं और दूसरे को हम खबर कहते हैं। पहला जुज मुब्तदा जो है वो इब्तिदा जिसे की जाए वो पहले आता है और खबर बाद में आती है। फिर इसमें मजीद हमने देखा था कि मुब्तदा की निशानियां क्या क्या हो सकती हैं। अगर इसको हम गौर से देखें तो इसम के शुरू में अगर अलिफ लाम लगा दिया जाए तो वो मार्फा बन जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये मार्फा है। दूसरी निशानी इसम के आखिर में अगर एक पेश या दो पेशियां आ जाए तो मतलब एक पेश या दो पेश आनी इसम की ही निशानी है, तो मार्फा है तो ग्रामर इसम भी है। एक पेश आनी जो है वो इसम का फाइली हालत में होना जाहिर करता है, एक पेश या दो पेश। तो दूसरी चीज हमें पता चली कि ये फाइली हालत में है। खबर को अगर हम देखें तो दो पेशें जाहिर करती हैं कि ये नकरा है, और एक और चीज भी जाहिर करती है दो पेश या एक पेश हो तो फाइली हालत के एतबार से ये फाइली हालत में। नकरा यानी तौर पर इसम भी कहते हैं हम। हमने पिछले सबक में देखा था, डॉक्टर साहब ने मजीद एक्सप्लेन किया था कि इसम भी हो सकता है और साथ फेल भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस मिसाल में ये फिलहाल इसम ही है। अब हम देखते हैं कि जुमला इस्मिया में इसमें मार्फा की इकसाम को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुमला इस्मिया में जब हम इसमें मार्फा की जो किस्म आज हम देखेंगे वह है इसमें इशारा। तो इसमें इशारा जो है वो दो तरह के इशारे हम करते हैं, एक दूर की चीज के लिए और एक करीब की चीज के लिए। तो जो करीब के लिए है उसमें जो बहुत कॉमन इस्तेमाल होते हैं वो हाजा हाजी और हाउलाई, और जब हम दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मुदक्कर के लिए जालिका इस्तेमाल करते हैं, मोनस के लिए सिरका इस्तेमाल करते हैं, और जमा के लिए चाहे वो मुदक्कर हो या मोनस हो उलाइका का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं एक नकरा और फायरी हालत वाला एक इसम यहाँ पे लिखूं किताब, तो इसको अगर हम जुमला इस्मिया बनाना चाहें और उसमें इसमें इशारा का भी इस्तेमाल हो, अगर करीब मेज के ऊपर किताब पड़ी है तो करीब है तो हाजा आ जाएगा, हावी ही क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इशारा आपने मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से लगाना है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि कोई चीज़ को अगर हम मुअन्नस साबित कर सकें तो मुअन्नस हो जाएगी, और अगर मुअन्नस साबित ना कर सकें तो मुअन्नस साबित नहीं होगी। तो इसमें वो तीन निशानियाँ जो कियासी की हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मुज़क्कर है। तो करीब की चीज़ के लिए हाजा और हाजी दोनों में से एक होगा, और अगर मुज़क्कर है तो हाजा होगा, तो इसको हम यहाँ पे हाजा किताब कहते हैं। हाजा किताब ये किताब है, और अगर ये किताब उल पड़ी हो वो किताब है तो ये हो जाएगा जारी का किताब। तो ये बुनियादी तौर पे
इसमें जुमला किया में मार्फत की एक किस्म हमने पढ़ी है।